हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज नीलम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपसे बात करूंगी कि हम अपनी शुगर क्रेविंग्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं आप मीठा खाना छोड़ दो तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा मीठा कम खाओ, मीठा छोड़ दो। मैंने बहुत कोशिश करी, बहुत मन को मारा, बट नहीं हो पाया। आप अपने मन को मारकर मीठा नहीं छोड़ सकते हो। अगर आपको क्रेविंग्स आ रही है तो आप गिव अप कर देते हो। तो मेन टारगेट हमारा क्या होना चाहिए कि हम अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल करें। अब क्रेविंग्स को कैसे कंट्रोल किया जाए? क्रेविंग्स को कंट्रोल करने के लिए मैं आपको एक सिंपल चीज बताऊंगी, जिसको अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हो तो आप देखोगे कि आपके सामने आपकी फेवरेट चीज पड़ी है ना, आपका खाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। ट्रस्ट मी ऑन दैट। मेरे साथ ऐसा हुआ है। घर में चॉकलेट्स, काजू की बर्फी, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी, वो भी मैं मना कर देती थी कि मुझे नहीं खाना है। एंड ये सिर्फ उस एक चीज की वजह से हुआ है, जिसका नाम है सिनेमोन। यस, जिसको हिंदी में दालचीनी बोलते हैं। मैंने उसे अपनी डाइट में इंक्लूड करा था आफ्टर सो मच ऑफ रिसर्च। बहुत ढूंढा गूगल पे कि ऐसा क्या खाया जाए जिससे हमारी मीठा खाने की इच्छा कम हो, जो हमें अंदर से इंसुलिन स्पाइक मिल रहा है, ग्लूकोज लेवल हमारे जो हाई जा रहे हैं, एंड बॉडी डिमांड कर रही है कि मीठा दो, वो खत्म कैसे किया जाए। एंड मुझे सिर्फ एक ही आंसर मिला था सब जगह, विच इज सिनेमोन। तो बिना कुछ सोचे मैंने उसे अपनी डाइट में इंक्लूड करा। एक इंच ऑफ सिनेमोन मैं अपनी चाय में डालती थी एंड एक इंच ऑफ सिनेमोन मैं अपने दूध में डालती थी। एंड 2-3 दिन में ही मुझे डिफरेंस फील हो गया कि मुझे जो हर बार खाना खाने के बाद मीठा खाने का मन करता था वो कम हो गया। जो मैं रोज शाम को या रात को जंक फूड या फिर मीठा क्रेव करती थी वो कम हो गया। अगर आपको जंक फूड के लिए भी क्रेविंग आ रही है, दैट मीन्स वो भी आपकी शुगर क्रेविंग है। क्योंकि जो भी चीजें पैकेट से निकल के आ रही है, यानी कि जो पैकेज्ड फूड है, उसके फर्स्ट 3 इंग्रेडिएंट्स में आपको हमेशा शुगर मिलेगा। एंड अगर उसके फर्स्ट 3 इंग्रेडिएंट्स में शुगर है, मतलब उसमें मीठा बहुत डला है एंड आप अल्टीमेटली शुगर को क्रेव कर रहे हो। अगर आपको आउटसाइड ईटिंग, जंक फूड ईटिंग या मीठा खाना बहुत पसंद है तो जरूर इसे अपनी डाइट में इंक्लूड करें। फर्स्ट, ये आपकी मीठा खाने की इच्छा को कम करता है। सेकेंड, ये आपकी बॉडी की हीट को इंक्रीज करके फैट बर्न करने में हेल्प करता है। थर्ड, ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, जिसकी वजह से आपकी भूख भी कम होती है एंड आप ज्यादा कैलोरीज बर्न कर पाते हैं। सो ये है एक मैजिकल थिंग जो आपको अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करना है अगर आप मीठा कंट्रोल करना चाहते हो तो। क्योंकि हमारा फर्स्ट वीक है वेट लॉस का, तो मैंने आपको कहा था मैं इस वीक शुगर एलिमिनेट करूंगी। सो मैंने शुगर खाना बहुत कम कर दिया है, मीठा नहीं खा रही हूं मैं। पैकेज फूड भी इलिमिनेट करना है। मैं यूजुअली पैकेज फूड नहीं खाती हूँ, तो मैंने ऐसा कुछ अलग से नहीं किया है। थर्ड थिंग, मैंने डिटॉक्स शुरू किया है, मतलब कंप्लीट डिटॉक्स नहीं कर रही हूँ। सिर्फ मॉर्निंग में लेमन हनी वाटर पी रही हूँ एंड इवनिंग में सोने से पहले हल्दी का दूध पी रही हूँ। सो सिर्फ यही किया है मैंने इस वीक एंड मैंने आउटसाइड ईटिंग भी नहीं की है। मैं वीकेंड पर एक चीट मील जरूर लेने वाली हूँ, क्योंकि मुझे तो अभी से बर्गर की क्रेविंग बहुत ज्यादा हो रही है एंड डेफिनेटली मेरा जो चीट मील है वो बर्गर होने वाला है। मोर ओवर मैंने एक्सरसाइज शुरू करी है। सो मैंने आपको कहा था कि मैं 2 घंटे जिम में बिताने वाली हूँ, जो कि मैंने अभी शुरू नहीं किया है क्योंकि मुझे आई थिंक मंथ्स हो गए हैं कि मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं करी है। तो मैंने अभी वॉकिंग से स्टार्ट किया है। तो जिन लोगों को घर पे एक्सरसाइज करनी है वो प्लीज वॉक करना शुरू करें, क्योंकि वॉक से ज्यादा बेनिफिट तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब आप वॉक करते हो आप अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करते हो, आप अपनी फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करते हो, आप अपना वेट लॉस गोल अचीव करते हो एंड मोर ओवर आप बहुत फ्रेश फील करते हो क्योंकि आप फ्रेश एयर में वॉक कर रहे हो। इधर आप मॉर्निंग में कर लो या फिर डिनर के बाद कर लो। मैं मोस्टली डिनर के बाद वॉक करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मेरा जो डिनर है वो भी डाइजेस्ट हो जाता है, मुझे रात को बहुत अच्छी नींद आती है। सो ये था मेरा वीक का प्लान, जिसमें मेजरली मैंने शुगर को एलिमिनेट किया था, जो कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमारा अगला स्टेप क्या होने वाला है। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।